तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे 2.3.1 वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये है टॉपिक, और इस टॉपिक में हम आपको 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी पिछले क्लास में याद करवा दिए हैं, और आज हम याद करवाएंगे कि फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या होता है। कोई बता सकते हैं? फ्रीक्वेंसी को हम लोग, ये कॉलम हम आपको पढ़ा चुके हैं, आज हम ये कॉलम पढ़ाएंगे। इस कॉलम में कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी का संकेत क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का संकेत क्या होता है, सिंबल। कोई बता सकते हैं? कोई एक्स बोल रहे हैं, कोई हर्ट्ज बोल रहे हैं, और देखिए दूर से आंसर सही आया, क्या होता है? भी। क्या होता है? भी। सिंबल हम पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? सिंबल। तो जल्दी में आप लोग गलती मत करें। और इसका SI यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। और हर्ज का मतलब क्या होता है? क्या होता है? पर सेकेंड। क्या होता है? पर सेकेंड। समझ गए? ये है फ्रीक्वेंसी। अब डिफिनीशन NCERT जो लिखा है वही लिख देते हैं, आप लोग याद कर लेंगे अभी तुरंत थोड़ा ही देर में। तो लिखिए, इट इज डिफाइंड अभी तुरंत याद कर लेना है इसको। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास ए गिवन पॉइंट इन वन सेकेंड। ये है इसका डिफिनीशन। तो इसमें फ्रीक्वेंसी में आपको क्या सब मेमोरी में रखना है हम सुनेंगे। पहला, फ्रीक्वेंसी का आपको याद रखना है सिंबल, जो कि बहुत लोगों से आज गलत हो गया। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल याद रखना है भी, SI यूनिट रखना है हर्ट्ज, और उसी को कहते हैं हम लोग पर सेकेंड। तो पर सेकेंड क्यों होगा? चूंकि ये डिफिनीशन लिखा गया है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स जो पास करेगा, कहां से पास करेगा, तो आपके अनुसार जो गिवन पॉइंट होगा, और पास करने में कितने सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में। फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा कि इस गेट से अगर 1 सेकेंड में कितना स्टूडेंट इस क्लास में एंट्री करता है। टॉपिक समझ गए? जैसे इसका गेट बहुत बड़ा होगा तो ज्यादा लड़का इंटर करेगा, गेट छोटा होगा तो कम लड़का। बात समझ गए? तो लाइट से भी वैसे ही निकलता है, ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा निकलेगा। अब उसमें इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, वोल्टेज पर भी डिपेंड करता है, ये सभी बात है। लेकिन अब गेट में भी तो ऊंचा होता है, नीचे होता है, गेट का भी तो साइज डिपेंड करता है। तो आप अच्छी तरह से समझ लें, फ्रीक्वेंसी का सिंबल नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे, आपको बताना है भी, SI यूनिट बताना है हर्ट्ज, उसको हम शो करते हैं पर सेकेंड से। डिफिनीशन आपको बताना है द नंबर ऑफ वेव्स पहला, दूसरा दैट पास ए गिवन पॉइंट, दूसरा इन वन सेकेंड। तीन भाग में इसको तोड़ दीजिए, 100% आपको याद हो जाएगा। पहला द नंबर क्यों हो गया? क्योंकि निश्चित होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा घटते बढ़ते रहेगा। कोई चीज से अगर निकलता है वेव तो वह कुछ देर के बाद आपको पता चल जाएगा द नंबर, मतलब डेफिनेट हो गया। द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास ए गिवन पॉइंट, कोई निश्चित पॉइंट से ही निकलेगा, कब? तो इन वन सेकेंड। तो याद हो गया, लिख लिया आप लोग। अगला पॉइंट इसमें लिखा है, और ये हर्ट्ज कहां से आया? तो ये है हेनरिक हर्ट्ज के
नाम पर, ये किन के नाम पर है? हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर। तो ये आपको समझ में आ गया। अब वेवलेंथ, वेवलेंथ का नाम सुने हैं? वेवलेंथ लिखेंगे। वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है, कोई बता सकते हैं? सिंबल क्या होता है? लेमडा, एकदम सही बता दिए आप। अब इसका आप यूनिट बता सकते हैं? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट बता सकते हैं? तो वेरी गुड, मीटर आपका सही हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड कोई बता सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखकर बता दिए, चलो वेरी गुड। तो 3×10⁸ मीटर/सेकेंड जितना होता है स्पीड ऑफ लाइट का। हाँ, वेवलेंथ बता देते हैं। वेवलेंथ को डिफाइन करना है, बिना किए हुए आप लोग ने समझ सकते हैं। एक मीटर में जितना वेवलेंथ होगा, कितना? एक मीटर। जैसे आपका यहां से यहां तक एक मीटर हो गया। मीटर आप कभी कपड़ा खरीदे हैं? इतना एक मीटर मानिए इसको। आ इसमें जितना वेवलेंथ आ गया एक मीटर में, इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसे क्या कहेंगे? समझ गए? एक मीटर में कितना वेवलेंथ आ सकता है? तो उसके लिए अभी हम तुरंत डाटा आप लोगों को क्या करने वाले हैं? बताने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? बताने वाले हैं। तो इसमें तीन पॉइंट पहले आप याद रखेंगे। पहला फ्रीक्वेंसी, दूसरा वेवलेंथ और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड। याद रहेगा इतना? अब बताइए वेलोसिटी ऑफ लाइट का सिंबल क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, पहले क्वेश्चन समझिए। हम पूछे वेलोसिटी ऑफ लाइट का सिंबल क्या होता है? सिंबल, सिंबल सी होगा, 100% सही हो गया। और सी का स्पीड क्या होता है? टॉपिक समझ में आ गया ना? तो आपको नेक्स्ट क्लास में याद करके रखना है। याद रहेगा इतना? अब एक फॉर्मूला याद रखना है, सी बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला C बराबर क्या होगा? नहीं, V और गुना क्या लिखेंगे? लेमडा। फ्रीक्वेंसी गुना वेवलेंथ। याद रहेगा नेक्स्ट क्लास तक। चलिए अब आएगा वेव नंबर। अब लिखना है आपका वेव नंबर। वेव नंबर का संकेत क्या होता है? इसको पढ़ते हैं म्यू बार। इसको क्या पढ़ते हैं? देखने में लगेगा भी बार, लेकिन इसे पढ़ेंगे हम लोग म्यू बार। क्या पढ़ेंगे? म्यू बार। भी बार देखने में लग सकता है, लेकिन पढ़ेंगे म्यू बार। क्या पढ़ेंगे? म्यू बार। ऐसे गलती से अगर पढ़ भी दिए तो ऐसी बात, पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं। तो इतना अभी सिर्फ समझना है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? तब फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी का
संकेत क्या होगा? भी। एसआई यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज। और उसको कैसे लिखेंगे? पर सेकेंड में। डिफाइन, हाँ अभी आ रहा है क्वेश्चन अभी। इट इज डिफाइंड, पहला द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास, किसको पास करेगा? दैट पास ए गिवन पॉइंट, कोई निश्चित पॉइंट को पास करेगा, कितने सेकेंड में? तो वन सेकेंड में। इसे कहेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी। दूसरा आता है वेवलेंथ। दूसरा क्या है? सिंबल लेमडा। और एसआई यूनिट मीटर में। ऐसे ज्यादातर वेवलेंथ जो यूज करते हैं हम लोग सेंटीमीटर में भी यूज करते हैं। तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड आ रहा है, वेव नंबर लास्ट में ना, जगह नहीं बचाना। सिंबल इसका वेलोसिटी ऑफ लाइट का सी, सी याद करेंगे, बहुत देर के बाद सी बोले हैं आप लोग, वेलोसिटी ऑफ लाइट का सी, और स्पीड इसका 3×10⁸ मीटर। फॉर्मूला सी इजकल टू वी लैम्डा। और वेव नंबर का सिंबल नहीं, म्यू बार, म्यू बार क्या पढ़ना है? म्यू बार पढ़ना है। अब वेव नंबर का वेव नंबर का अब डिफिनीशन एनसीईआरटी क्या लिखा है आप समझ लें, बहुत ही छोटा है। द नंबर ऑफ वेवलेंथ लिख लेंगे, द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, ऐसे इसका एस आई यूनिट जो होता है वह होता है पर मीटर। लेकिन ज्यादातर यूज जो होता है वह होता है पर सेंटीमीटर में। तो अब इतना पर ही आपका न्यूमेरिकल जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बनना चाहिए। अभी हम एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है और आंसर आपका आ जाना चाहिए। पहले से ही आंसर देख लेंगे। वेव नंबर जित कहता है कि यहां जो है पर मीटर में जो वेव नंबर है, पर मीटर में वेव नंबर, एक मीटर की बात की जाए, लेकिन होता क्या है कि वेव नंबर इतना छोटा छोटा है, जो हम डाटा अभी पढ़ाएंगे आपको किसका किसका, लॉन्ग रेडियो वेव्स एएम एफएम, इसमें जो हम पढ़ाएंगे वेव नंबर, यह बहुत ही कम रहेगा और बहुत ही संख्या में कभी कभी बहुत ही ज्यादा भी रहेगा। तो इसके बारे में पहले हम डाटा पढ़ देते हैं। कहता है द नंबर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ तो आप लोग समझ गए, वेवलेंथ समझे, यहां से यहां तक को हम लोग क्या बोलते हैं? लेमडा। यहां से यहां तक को क्या बोलते हैं? लेमडा, जिसको कहते हैं वेव, क्या बोलते हैं? नहीं, वेव नंबर, यहां देखिए। अब इसी को अगर हम बढ़ाते जाएंगे, उस समय आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए ना, लेकिन पढ़ के तो आते नहीं है। ओ पहली बार, चलिए अब देखिए, यहां से यहां तक आप मानिए कि एक मीटर है, यहां से यहां तक एक मीटर का कपड़ा मान लीजिए। अब यहां पर कितना हो गया वेवलेंथ? तीन। यहां पर कितना हो गया एक मीटर में? तीन वेवलेंथ हो गया ना। तो इसी को कहेंगे द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट में हम मीटर को भी मान सकते हैं और किसको मान सकते हैं? सेंटीमीटर को भी। एक मीटर में कितना वेवलेंथ मिला? पहला ये मिला वेवलेंथ, तो यहां से यहां तक को ही हम कहेंगे। एक बार उछल के गया, इसी को
जैसे पानी में आप कभी मारे हैं पत्थर, और जब उछल उछल के जाता है तो एक बार उछल के जो गया उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, वेव लेंथ। तो एक बार जो लाइट यहां से उछल कर यहां पर आया और इसके बीच की दूरी को हम कहेंगे वेव लेंथ, और पर मीटर में अगर जितना होगा तो उसे कहेंगे हम लोग वेव। वेव तो आ ही गया और नंबर उसमें कितना, तो उसके लिए तो हमें चाहिए यूनिट एक चाहिए, या तो सेंटीमीटर में चाहिए या किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। तो वेवलेंथ समझ गए, एक बार आप उछले उसको कहा गया क्या चीज, यहां से नीचे गए फिर ऊपर आए उसी को कहा गया वेवलेंथ। और एक मीटर या एक सेंटीमीटर छोटा में भी, बहुत छोटा में का भी वेव होता है, इस प्रकार से भी देखते होंगे किसी का हार्ट बीट देखे हैं कभी हॉस्पिटल में या फिल्म में, हमेशा ही ऊपर नीचे होते रहता है, देखे हैं स्क्रीन पर, हॉस्पिटल नहीं गए हैं, हॉस्पिटल में देखते होंगे धड़कन दिखाता है ना, तो वह बहुत ही छोटे जगह पर रहता है और बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में उसको दिखाना रहता है अप और डाउन। तो वो हो गया पर सेंटीमीटर में, वो क्या हो गया पर सेंटीमीटर में। तो इतना ही, जैसे ही आप याद करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि वेव लेंथ क्या होता है और वेव नंबर क्या होता है। वेव समझ में आ गया, ये वेव हुआ यहां से यहां तक, और मीटर में अगर हुआ तो SI यूनिट इसका होता है मीटर, लेकिन ज्यादातर यूज किसमें होता है, सेंटीमीटर में, जो कि SI का यूनिट नहीं है। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया, लेकिन अभी आपको याद करना है क्या चीज याद करना है, तो इसका लिस्ट दिया हुआ है NCERT। सबसे पहला कि वेव लेंथ सबसे बड़ा किसका होगा, तो सबसे बड़ा लेमडा जिसको हम मीटर में कहेंगे लॉन्ग रेडियो वेव का होता है 10^8। तो पहला सीरियली याद करना है लॉन्ग रेडियो, अभी तुरंत याद करके आपको सुनाना है हमें, वेव्स पहला नंबर पर है सबसे ज्यादा में, कितना से शुरू हुआ तो 10^8 के आसपास से। दूसरा आता है AM, तीसरा आता है FM, चौथा आता है माइक्रोवेव, पांचवा आता है इंफ्रारेड, छठा आता है विजिबल लाइट, और इसमें लिख देते हैं आपको हम विजिबल लाइट बीच में, और इसमें अल्ट्रा वायलेट, और उसके बाद एक्स रेज, और उसके बाद गामा रेज लिख लीजिए। और इस तरह से अभी हम इसको नंबरिंग कर देते हैं ताकि आपको याद हो जाए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा और नौ। अभी आप लोग सुनाएंगे, कोई सुना देंगे, नहीं समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो समझने में सुविधा होगी। क्यों, देखिए कहता है कि लॉन्ग रेडियो वेव किसमें हम पढ़ाए हैं वेवलेंथ, अभी मीटर में, तो 10^8 जब मीटर होगा, 10^8 मीटर होगा किसका, लॉन्ग रेडियो वेव का, यहां से और यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी कितनी होगी 10^8 मीटर, किसका, लॉन्ग रेडियो वेव का। और उसी प्रकार से इसके इसमें घटते क्रम में दिखाया गया, यहां 10^8 इसमें दिखाया 10^1 इसमें दिखाया 10^0 उसके बाद माइनस में दिखाते दिखाते गामा रेज का लिख दिया कितना 10^-16, मतलब एक मीटर का, एक मीटर को आप भाग दे दीजिए किससे, 10^-16 से, कितना से भाग दे दें तो बहुत छोटा वेवलेंथ हो गया, इसीलिए हम लोग को क्या होता है, नहीं दिखता है। तो यहां से देखिए 10^8 से लेकर कहां तक पहुंच गया ये, अब इसके फ्रीक्वेंसी की बात है, फ्रीक्वेंसी
तो लॉन्ग रेडियो वेव्स का होता है 10^0 बराबर कितना होता है, अगर किसी का मान ऊपर जीरो चल जाए तो क्या मैथ में पढ़े हैं? ग्रीन कलर वन, 10^1 दिया है। और एम के लिए लिखा है, एक दो डाटा सिर्फ याद कर लीजिए, 10^6 लिखा है, हर्ज लिखा है, मतलब एक सेकेंड में इतना होगा। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, ना ये डाटा आपको पूछेगा ज्यादा, ना ये डाटा आपको पूछेगा, आपको पूछेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर और दूसरा क्या पूछेगा इसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे चार आपको दे देगा इस प्रकार से, चार दे देगा और उल्टा पुल्टा कर कर देगा, ग्रेटर देन और लेस देन करके। तो पहला पोजीशन पर आएगा वेव लेंथ के हिसाब से कौन, ए एम, उसके बाद कौन आएगा एफ एम, और उसके बाद कौन आएगा माइक्रोवेव, और उसके बाद कौन आएगा इन्फ्रारेड। छट जाइए पहले, थोड़ा सा मोबाइल का प्रयोग नहीं करते हैं, चलिए। तो ए एम और एफ एम, और उसके बाद कौन आएगा माइक्रोवेव, और उसके बाद क्या आएगा इन्फ्रारेड। तो चारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर और किसमें दिखा, क्वेश्चन पूछेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसमें, वेवलेंथ में भी पूछ सकता है और फ्रीक्वेंसी में भी पूछ सकता है। अगर वेवलेंथ ज्यादा बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी उसका क्या होगा, छोटा होगा। जैसे किसी व्यक्ति को कहिए कि बहुत ज्यादा बार और लॉन्ग जंप उछ ले, सबसे ज्यादा से ज्यादा, तो वह एक से दो बार ही उछल पाएगा या तीन बार, समझ गए, उसके बाद वो थक जाएगा। लेकिन किसी को कहिए पैदल चलने के लिए तो बहुत बार वो वेव दिखा सकता है। तो वही बात है, जो बहुत ज्यादा उछला वह उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम हो जाएगा। जो कम उछलते हुए पैदल चलते हुए चला, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया कम से कम, तो उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, समझ गए। तो ये इसका क्या होता है, वह अपोजिट, समझ में आ गया। इधर अगर उसको मोबाइल खरीद के दे दिया करो, बहुत प्रकार का क्वेश्चन आते रहता है, क्या छोटी छाड़ जाओ, यहाँ याद हो गया, पहले पहला लॉन्ग रेडियो वेव, दूसरा एम, तीसरा एफ एम, चौथा माइक्रोवेव, पांचवा आई आर, छठा विजिबल लाइट, सातवा यूवी, आठवा और नम्मा। अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी हम तुरंत मिटाएंगे, नहीं लिखे बता देंगे, बता देंगे, रोने दीजिए। लिख लिया, लिखा, लिख लिया, कहाँ से पता चलेगा, रेडियो खरीदा था बचपन में, कुछ खरीदो ना है। चलो पहले लिखो जल्दी जल्दी, लिखो जल्दी, लिख ली, ऐसे तो याद है ना, किताब से लिख लेना। पहला बोलिए लॉन्ग रेडियो वेव्स, दूसरा एएम, तीसरा एफएम, चौथा माइक्रोवेव, पांचवा इंफ्रारेड, छठा विजिबल लाइट, सातवा अल्ट्रावायलेट, आठवा एक्सरेज और नौवा गामा रेज। तो पहला कौन हुआ, रेडियो, दूसरा एएम मीन्स होता है, हम बताएंगे थोड़ा देर बाद, नहीं जानती हो, एएम का फुल फॉर्म कौन बताएंगे, चलिए अब कैलकुलेशन करने के लिए आ रहा है, आ रहा है, इसमें क्वेश्चन में आ रहा है फुल फॉर्म, चिंता मत कीजिए, चलिए लिखिए। दी विविध भारतीय स्टेशन
विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय ट्रांसमीटर विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम चलिए आंसर बनाइए, पहले लिख लिया क्वेश्चन, किताब बगल में रख ली है, लिख नहीं रही है, किताब बंद करो नहीं तो आंसर मिला लेगी। तुम लिखा क्वेश्चन पहले, कहाँ लिखा? इतना बड़ा क्वेश्चन क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी लिखा है तो लिखना पड़ेगा ना। चलो जल्दी क्वेश्चन बनाओ, फिर हम मिटाएंगे क्वेश्चन तुरंत। आएगा आएगा, पहले लिखो तो पहले जल्दी, सब चीज चाहती है। वो टाइम के लिए होता है। बना छोटू, क्वेश्चन बनाइए जल्दी। बनाओ बनाओ क्वेश्चन जल्दी। द विविध भारतीय स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, से जो आप रेडियो सुनते हैं उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, 1368 किलोहर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। वेवलेंथ निकालिए, वेवलेंथ का फॉर्मूला अभी हम पढ़ाए हैं, C बराबर वी इंटू लेमडा। अब बताइए, आपसे पूछा जा रहा है लेमडा का मान, तो कैलकुलेशन करके बताइए, फॉर्मूला पहले लिखिए नीचे। अभी कौन सा फॉर्मूला बताए हैं, C बराबर वी लेमडा, पहले वो लिखिए, C बराबर लिखिए C इज कल टू वी लेमडा।
अब लेमडा तुम बनाएगा क्वेश्चन बनाइए एम और पीएम के फेरा में मत रहिए अभी है एक ही दिन में सीखने की कोशिश ना करें अभी आठ को नौ को आपका नौ चीज आपका छूट गया कौन कौन पहले बनाओ कितना आया आंसर दस पर पावर कितना आया सी बराबर भी इंटू लेमडा तो थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट इजकल टू हाँ काटिए काटिए उसको काटिए केमिस्ट्री अगर पढ़ना है केमिस्ट्री में अगर स्कोर करना है तो न्यूमेरिकल बनाना ही होगा विदाउट न्यूमेरिकल आपका आंसर नहीं आ सकता है बनाइए जल्दी कितना आया काट कर आंसर निकालिए बिना काटे हुए काटने के लिए आपको फिजिक इस केमिस्ट्री में आपको सीखना ही होगा आज सीखिए या कल सीखिए कितना आया बोल रहे हैं ना काट के निकालिए आंसर उसका काटिए ना देखिएगा काट के अभी काट के बताइए आंसर आप लोग आप लोगों को उसको काटना है और बनाना है अभी फॉर्मूला तुरंत बताए हैं सी इजकल टू भी इंटू लेमडा और लेमडा बराबर सी बराबर सी बाय भी और सी का मान अभी तुरंत याद करवाए हैं थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर नीचे में पर सेकेंड और नीचे में क्या लिखेंगे भी कितना दिया हुआ है थ्री इंटू टेन टू दी पावर थ्री ऐसा दिया हुआ है और पर सेकेंड सेकेंड कहाँ चला जाएगा हर्ज के लिए पर सेकेंड ऊपर सेकेंड सेकेंड कट जाएगा और मीटर में हमें काट कर निकालिए यही तो बताना था दस पर पावर एट सी का मान होता है तीन गुना दस पर पावर तुम काट के टोटल लाओ कितना आया गलत है गलत मत लाइए टेंथ पास हैं जल्दी जल्दी में अपना आंसर गलत ना करें बात समझ रहे हैं किलो नहीं पता चला डायरेक्ट अगर थोड़ा सा भी लिखेंगे तो थोड़ा सा अपना माइंड को आप यूज करें और हल्के क्वेश्चन को जल्दी बनाने की कोशिश करें ब्रेन को खुश रखें क्लास में खुश रहें उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है लेकिन क्वेश्चन ही नहीं बने तब तो फिर खतरा हो गया क्या छोटू भाग दो कितना आया आंसर बता सिर्फ आपको करना क्या था कि 1368 में इससे भाग देना है एक दो तीन और एक और दे दीजिए चार इतना में भाग दीजिए भाग देने आता है भाग देकर दिखा बताइए कितना कितना आप लोगों को आ रहा है इसमें सिर्फ भाग देना था और आंसर लाना है कितना आया छोटी कितना हाँ कहाँ भाग दी तुम टू वन नाइन कहीं दिख ही नहीं रहा डायरेक्ट आंसर लिख इतना तो नहीं चश्मा में ताकत है कि डायरेक्ट 200 ने तुम लाई छोटी कहाँ लाई कितना आया छोटू गलत है गलत भाग दीजिए जल्दी आंसर सभी को लाना है कितना गलत हो रहा है लाना है आप लोगों को
सभी लोगों को 219.3 मीटर इतना लाना है। आ गया? तो ये क्वेश्चंस का आंसर में सबसे ज्यादा जरूरी है पहला। तो किलो का मतलब आपको समझना चाहिए। दूसरा, सी बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है? तो भी इंटू लेमडा, और लेमडा बराबर कौन सा फॉर्मूला होगा? तो सी बाय भी, और सी का मान ऊपर में रखना है और भी का मान रखते वक्त किलो को ध्यान में रखना है। किसको याद रखना है? किलो को। ये अगर ध्यान में रहेगा और तब भाग देने के लिए, हाँ हाँ बाद में आप जहां सुनो पहले, अरे इधर देखो, यहां मैं यहां तक सुनो तो, अरे इधर सुनो, यहां पर जितना हमको जीरो की जरूरत है वहां लिखेंगे, और जब ज्यादा जरूरत पड़ेगा तो और भी जीरो लेने से कोई रोक आपको नहीं सकता। अरे आप, अरे बाद में आप दशमलव यूज कीजिए आप अपने अनुसार, लेकिन 1368 से ज्यादा होना चाहिए। आप यहाँ पर 3000 भी यूज कर सकते हैं। बाद में तो आपको याद है कि वहां हम 8 तक यूज करेंगे। कितना जीरो यूज कर सकते हैं ऊपर में? हम 8 यूज कर सकते हैं और बाद में 3 जीरो नीचे से घटा देंगे। नीचे से क्या करेंगे? 3 जीरो घटा देंगे। टॉपिक समझ में आया? तो एम नहीं ना आया? तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, कल हम फिर पूछेंगे क्वेश्चन। पहला पूछेंगे कि, पहले इधर सुनो, पहले पूछेंगे कि कल जो क्वेश्चन हम बता रहे थे वह कौन से स्टेशन की बात हो रही थी? तो विविध भारती स्टेशन की बात हो रही थी, और उसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ था? कितना फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था? 1368 किलोहर्ट्ज़। और उसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था? वेवलेंथ पूछा जा रहा था। तो वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे? सी बाय भी। तो सी का मान याद रखेंगे, क्योंकि आज स्पीड ऑफ लाइट जो था वो भी किसी को याद नहीं था, स्पीड ऑफ लाइट। और दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल क्या होता है ये भी किसी को याद नहीं था। तो ये दोनों आपको याद करना है और अगले क्लास में सुनाना है आपको। क्या सुनाना है?